नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो में आगे बढ़ने पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है नागवंशी फैमिली। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उन लोगों का हाथ जोड़ के मैं जो है थैंक यू बोलती हूँ। और दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे अपना कीमती 10 मिनट देते हैं ना, वो मेरे ज़िंदगी को सुधारने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चों के कारण ही यूट्यूब पर आई हूँ, और सबको पता है कि जो है मुझे मेरी फैमिली जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इस वजह से मैं यूट्यूब पे आई थी। तो आप लोगों की वजह से थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है और थोड़ा मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा कर पाती हूँ। इसका मैं जितना भी आप लोगों का थैंक यू बोलूँ, मेरे लिए तो कमी होगी। और मैं दिल से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत करती हूँ। तो आज की वीडियो की टॉपिक है जो कभी कभी जो है कुछ लड़कियों के क्या होता है, चेस्ट में जो है दर्द होता है। तो जो लड़कियां जो है आजकल का ज़माना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, बदल गया। क्योंकि पहले पहले जो पहले का समय था, आज से 10 साल 15 साल पहले का समय जो था, तब क्या होता था, लड़कियों का जो है चेस्ट जब उभरते हैं तब वो एज 10 साल के बाद होती थी। 10 साल के बाद उनके चेस्ट में जो है थोड़ा उभार आता था। लेकिन अब के ज़माने में, अब के समय में क्या हो गया है, 8 साल की लड़कियाँ, 9 साल की, 10 साल की लड़कियाँ, मतलब इतने छोटे एज की लड़कियाँ होती हैं, तभी से उनके जो है चेस्ट में जो है उभार आना शुरू हो जाता है। तो उस समय जो है जो असहनीय पीड़ा होती है, वो जो है बच्चियां जो है उससे जो है सहम जाती हैं, और उस पीड़ा को अपनी माँ से भी नहीं शेयर कर पाती हैं डर के कारण। कि पहले वो खुद ही सोचती हैं कि मतलब उनको हुआ क्या है, वो समझ नहीं पाती कि उनको क्या हुआ है। तो मैं मतलब मेरे चैनल पर अगर आप लोग लेडीज़ हों, देख रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप अपनी बच्चों की जो है फ्रेंड बने, ना कि माँ या बाप, जो भी आपका किरदार हो वो बने। अगर दोस्ताना व्यवहार आप अपने बच्चों के साथ रखेंगे तो वो बच्चे जो है अपनी हर प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नहीं तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बातें तो छुपाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी अपने माँ बाप से जो है छुपाने लगते हैं। तो इसका जो है प्रभाव भी बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा पड़ता है। माँ बाप तो बाद में कहे जाएंगे, लेकिन पहले जो है बच्चों को जो है नुकसान होने लगता है इन सब चीज़ों से। तो जब उभार आता है बच्चियों के ना, तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा उभर जाता है जल्दी, और बहुत जो है उसमें दर्द रहता है। और कोई कोई चेस्ट ऐसा होता है, कभी कभी एक चेस्ट ज़्यादा उभर गया, दूसरा चेस्ट छोटा रह गया। तो कुछ लोगों में ये भावना आ जाती है कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। क्योंकि जब हमारे हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम जो है हमको आती है। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है कि आप कोई भी उस समय जो है मेडिसिन ना लें। क्योंकि जब वो समय ही ऐसे होता है बच्चों का, कि बच्चे जो है बहुत सहमे खुद ही रहते हैं, और जब मेडिसिन की बात आती है या सुई दवाई की बात आती है तो बच्चे और ज़्यादा सहम जाते हैं। तो आप अपने जो आपकी बेटी है तो उससे जो है हर चीज़ पूछा करें, जांचा करें। तो आपकी बेटी धीरे धीरे क्या होगा ना, आपके साथ जो है घुल मिल जाएगी, आपसे जो है हर बात अपनी शेयर करेगी। तो आप जो है हल्का फुल्का सिकाई कर सकती हैं ब्रेस्ट की, ज़्यादा सिकाई मत कीजिएगा, हल्का फुल्का कीजिएगा। और सबके घर में जो है सरसों का तेल होता है, तो सरसों का तेल जो है जब ब्रेस्ट बच्चियों का उभरता है, और जो ये मतलब मेल मुझे की हैं, लेडीज ही की हैं, और इन्होंने पूछा है मैम हम क्या करें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ कि हमारे घर में, सबके घर में जो है सरसों का तेल मिलता है। तो क्या करना चाहिए, सरसों का तेल 2-4 बूंद लेना चाहिए, और ब्रेस्ट पे अच्छे से हाथों से जो है मसाज करके, 1-2 मिनट मसाज करके उसको छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्रेस्ट में जो मतलब ब्रेस्ट की जो त्वचा होती है, स्किन वहाँ की होती है, जो हार्ड हो जाती है, फटने लगती है, तो फटेगी नहीं, तो दर्द थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। और जब दर्द कम होगा तो बच्चे जो है डरेंगे कम, और थोड़ा जो है उनमें भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि चलो हमको कोई बीमारी नहीं है। नहीं तो कि कोई बच्चियां ऐसे सोचती हैं कि मुझे कोई बड़ा सा फोड़ा तो नहीं हो रहा। तो वीडियो के बीच में मैं आप लोग के साथ एक जो है ऑयल शेयर करना चाहती हूँ। तो इस ऑयल का नाम है गुंजन ऑयल।
और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के जो है स्क्रीन पे जो है फ़ोन नंबर लगा दूंगी, आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो है मेंस प्रॉब्लम जो होती है, जिनके प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, नसों में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है मेंस के, तो सारी परेशानियों को ये दूर करता है। इसके साथ जो है मैं आप लोगों के साथ जो है एक कैप्सूल भी शेयर करना चाहती हूँ, जिसका नाम है स्मार्ट पावर कैप्सूल। और ये जो है 60 जो है कैप्सूल रहता है, और मैं खोल के भी इसको आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो मतलब जेंट्स होते हैं जिनको प्राइवेट एरिया पे जो है दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी वीक हो जाती है, और ये देखिए रेड कलर का है और ये आयुर्वेदिक दवाई है। तो आप लोग अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं फ़ोन नंबर जो है स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो स्क्रीन के द्वारा जो है आप दोनों चीज़ें परचेज़ कीजिएगा, और दोनों चीज़ें हो सके तो एक साथ ही परचेज़ कीजिएगा, तभी इसका जो है अच्छा जो है रिस्पांस मिलेगा। और कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले आप अपने मतलब जो आपके डॉक्टर हैं जिनको आप दिखाते हो, एक बार ज़रूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि जो है अपने आप जो है किसी दवा का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने दवाइयों के बारे में बता दिया। तो मैं बात कर रही थी कि जो है जो बच्चियाँ होती हैं, डरी हुई बच्चियाँ होती हैं, तो उनको जो है इसी तरह से आप ट्रीट जब करेंगे ना, तो आपकी बेटी के जो है दिल दिमाग से जो है वो डर निकल जाएगा। और छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, जब हमारी बच्चियों की एज जो है धीरे धीरे बढ़ती है, तो छोटी छोटी बातें आप अपनी बच्चियों को समझाइए कि कैसे क्या करना, कैसे क्या नहीं करना है, तो आपकी बेटियाँ भी आप ही से सब कुछ सीखती हैं। तो जब उनको हर चीज़ आप बताएंगी, और तो अपनी आप जो है धीरे धीरे जो है समझती जाएंगी, क्योंकि बच्चियाँ जो है बहुत समझदार होती हैं हमारी बच्चियाँ, तो हर चीज़ जो है वो सीखती हैं, काफ़ी अच्छे से सीखती हैं और कर ले जाती हैं। जैसे क्या होता है ना, जब हम अपने बच्चों को जो है खाना बनाना सिखाते हैं ना, तो एक लागे जो है खाना वो बनाना सीख नहीं पाते हैं, धीरे 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 करके सीखते हैं। तो ऐसे जो है इन चीज़ों पे भी जब हम धीरे धीरे उनका फोकस करवाएंगे, और उनको नहाना कैसे है, उनको जो है कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कैसे बालों को कंघी करना चाहिए, कैसे मतलब बाल अपने रखने चाहिए, हर चीज़ आप सजेस्ट करोगे जब अपनी बच्चियों को ना, तो भी कहेंगी कि हाँ मम्मी भी। और जो मेंस होते हैं उनको जो है प्राइवेट एरिया में अगर कुछ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जिनको जो है कमज़ोरी की शिकायत रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी वीक रहती है, नसों में दिक्कत रहती है, और जिनके जो है जो ताकत होती है शरीर की नहीं रहती है, उनके लिए बेस्ट है। और दोनों एक साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो है रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो ज़रूर खरीदिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि ये ख़रीदने पे आपको जो है कितना जो है फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो और एक बात और कहना चाहूँगी आप लोग के साथ कि अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछें दवाई खाने से पहले। वैसे आयुर्वेदिक दवाई है, कोई नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट एक बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है कोई भी दवा जो है अपने आप जो है स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी होता है कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो है नुकसान कर देती हैं। तो मैं इसीलिए सलाह दे रही हूँ कि अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिएगा, और दोनों एक साथ इस्तेमाल कीजिएगा, और बहुत अच्छी दवाई है, और मुझे भी बताइएगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ वैसे भी जो है शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। तो मैं बात कर रही थी बच्चियों की, तो जैसे हमारी बच्चियाँ जो होती हैं वो जो है मम्मा की जो है बहुत अच्छी जो है फ्रेंड बन सकती हैं। और आप भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही व्यवहार बनाएं, और उनके साथ जो है नॉर्मली हर चीज़ जो है पूछें जाँचें उनसे, तो आपसे घुल मिलकर जो है वो अपनी सारी बातें जो है आपके साथ शेयर करेंगी और बताएंगी भी। मुझे लगता है कि मैम जो आपने कमेंट किया और उसका आपको आंसर मिल गया होगा, तो आप लोग भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और मेरे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट में जो है आप अपने सुझाव भी दीजिएगा, और किस टॉपिक पर अगली वीडियो आप लोगों को चाहिए ये भी बताइएगा। और इसे भी वीडियो को जो है पूर्ण विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। और हाँ, आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे भी अपने सुझाव दे सकते हैं, मेल आईडी पे भी अपने सुझाव दे सकते हैं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए मिलते हैं इसी के साथ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।